ग्लोइंग स्प्लिंट वर्सेस लाइटेड स्प्लिंट, दोनों में फर्क क्या है? हाँ तो भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार हाइड्रोजन टेस्ट के लिए आप जब लाइटेड स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हो और ऑक्सीजन टेस्ट के लिए जब आप ग्लोइंग स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हो तो दोनों के अंदर फर्क क्या है। फर्क कोई भी नहीं है, बस छोटा सा कन्फ्यूजन है। सो एक मिनट में ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ तो यार, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक तीली, और अब मैं स्टार्ट करने लगूँ। हाँ तो भाई, हमने करना यह है कि सबसे पहले हम एक तीली निकालेंगे, उसको हम जलाएंगे। जब हम उसको जलाएंगे तो उस तीली को हम कहेंगे भाई लाइटेड स्प्लिंट। इस लाइटेड स्प्लिंट को जैसे ही हम हाइड्रोजन के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ये उसी टाइम बुझ जाएगी विद अ पॉप साउंड। सो भाई, दैट्स अ लाइटेड स्प्लिंट। अब ग्लोइंग स्प्लिंट होता क्या है कि आप अगर इसी तीली को बुझा दोगे तो जो ग्लो आपके सामने, जो टिप के ऊपर ग्लो दिखेगा, ये जो स्प्लिंट है ये होगी ग्लोइंग स्प्लिंट। और जैसे ही आप इसको किसी भी उसमें डालोगे ऑक्सीजन की टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसको आग पकड़ लेगी। अब इस चीज़ को समझाने के लिए यार मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मूवी का सीन। मूवी का सीन कुछ इस तरीके से होता है कि एक आत्मा होती है, उसको मारने के लिए लड़की को आग लगानी होती है। लड़की एक कपड़े के ऊपर आग लगाती है और वो भाग रही होती है, और पीछे से आत्मा उसका कपड़ा बुझा देती है। अब होता यह है कि अब वो जो कपड़ा होता है वो ग्लो कर रहा होता है, यानी कि वो ग्लोइंग स्प्लिंट की तरह एक काम कर रहा है। और होता यह है कि वहाँ पे एक अंकल आता है, अंकल पंखा ऑन करता है, और जैसे पंखा ऑन करता है वो कपड़ा दोबारा से आग पकड़ लेता है। अब इसका लॉजिक ये होता है कि जब जैसे ही वो पंखा घूमता है उसमें से एयर जो होती है वो डायरेक्टली कपड़े की तरफ जाती है, जिसके अंदर O2 यानी ऑक्सीजन भी होती है। और कपड़ा क्योंकि ग्लो कर रहा होता है और वो ग्लोइंग की वजह से, यानी कि अभी वो जल रहा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो दोबारा से आग पकड़ लेता है। सो आई होप यार आपको लाइटेड और ग्लोइंग स्प्लिंट दोनों के अंदर फर्क पता लग गया होगा। सिंपल सा फर्क है, जो चीज़ जल रही है लाइटेड है वो लाइटेड स्प्लिंट है, जो बुझ चुकी है लेकिन ग्लो कर रही है दैट इज़ ग्लोइंग स्प्लिंट। सो भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली देखने से बेहतर है कि आप ये बीच वाला चैनल देखो। इस चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा जो कि आपको वो लेवल में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा। और मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, क्योंकि उसके अंदर मिलेंगे आपको बहुत सारे लिंक्स जो कि आपके ओ लेवल में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे।